नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में मुहर्रम को लेकर मुबारकपुर थाना प्रांगण में रविवार को एक पीस कमेटी की बैठक की गई। मीटिंग की अध्यक्षता सीओ सदर सौम्या सिंह और थाना अध्यक्ष योगेंद्र बहादुर सिंह की देखरेख में की गई। दरअसल आगामी 9 अगस्त को मुहर्रम का पर्व है, जिसको लेकर मुबारकपुर व आसपास के गांव के संभ्रांत लोगों के साथ बैठक की गई, जिसमें सिया एवं सुन्नी समुदाय के लोग उपस्थित रहे। जिसमें सिया एवं सुन्नी समुदाय के लोगों ने जुलूस एवं बाजा ताजेदरांग के जिम्मेदारों ने मुहर्रम के जुलूस में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो उसे अवगत कराया और पुलिस प्रशासन ने तत्काल निस्तारण का आदेश दिया। पीस मीटिंग में थाना अध्यक्ष योगेंद्र बहादुर सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व की भांति जिस तरह से मुहर्रम मनाया गया उसी तरह से इस बार भी मनाया जाएगा, लेकिन किसी जुलूस एवं कार्यक्रम के लिए पहले उसकी अनुमति मजिस्ट्रेट से लेनी होगी, उसके बाद परंपरागत तरीके से पूर्व की भांति ताजियादार मुहर्रम मनाएंगे। इसके साथ ही नगर पालिका द्वारा साफ सफाई, जलापूर्ति की व्यवस्था, रास्ते में किसी भी तरह का अतिक्रमण सहित अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। विद्युत विभाग को अवगत कराया गया कि किसी भी तरह का विद्युत तार नीचे नहीं होना चाहिए, उसकी निगरानी विभाग स्वयं अपने स्तर से संज्ञान ले। न्यूज 9 भारत के लिए संवाददाता सरफुद्दीन आजमी की रिपोर्ट। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।